कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर अगले महीने हो सकता है जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान। ये सूत्र बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में ऐलान हो सकता है चुनाव की तारीखों का। 3 से 4 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर के नतीजे घोषित हो सकते हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाए। आतंकी घटनाओं के बीच चुनाव आयोग की कवायद जारी है और चुनाव आयोग की टीम तैयारियों का जायजा भी ले रही है। हाल फिलहाल में कुछ आतंकी घटनाओं में वृद्धि भी देखी गई है। आतंकी बौखलाए हुए हैं लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद है और इस बीच चुनाव आयोग भी मुस्तैद है घाटी में चुनाव करवाने के लिए। 370 के हटने के बाद यह पहला चुनाव होगा और एक बड़ा संदेश भी जम्मू कश्मीर में बदलाव को इस बीच वहां के लोगों ने भी महसूस किया है। और इस बदलाव का संदेश चुनावों में क्या होता है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है, जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। गौरव बताइए, जम्मू कश्मीर में चुनाव, सभी को इंतजार है, बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होगा। बिल्कुल, देखिए बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होगा और मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की जो टीम है वो लोकसभा चुनाव के बाद जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसके बाद आकलन के लिए जो है वो पहुंची भी है जम्मू कश्मीर और वहाँ ग्राउंड पर वर्क किया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर जो निर्वाचन का कार्यक्रम हो या लोकसभा जो विधानसभा इलेक्शन का जो शेड्यूल हो उसको कैसे तय किया जाए और बुनियादी स्तर पर किस तरह की सुविधाएं देनी होंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव कराने के लिए बहुत जरूरी था कि लोकसभा चुनाव में किस तरह की परिस्थितियां रहती है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का एक उत्साह देखने को मिला है जम्मू कश्मीर के नागरिकों का, उत्साह देखने को मिला है जम्मू कश्मीर के नागरिकों के बीच में, खास करके उसके बाद से जो है वो चुनाव आयोग की टीम जो है वो लगातार वो काम कर रही है। और चुनाव आयोग के सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगर